अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा ये आज का सेकंड वीडियो क्लास 6th और 7th के लिए है। कल हमने उर्दू का बेसिक ग्रामर सीखा था और आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाएंगे। कल मैंने आपको हरूफ तहजी, हरूफ हरूफ, हरूफ मुफर्रद, हरूफ मुरकब इसके बारे में बोला था। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाते हैं और मैं आपको हरूफ मनकूत और हरूफ गैर मनकूत इन सब चीज़ों के बारे में बोलूँगी। चलो, हरूफ मनकूत किसे कहते हैं? हरूफ मनकूत उस हरूफ को कहते हैं जिस हरूफ पर नुक्ता हो। इसलिए आप उर्दू में जो भी हरूफ हरूफ देखोगे जिस पर नुक्ता हो, उसको हम हरूफ मनकूत कहते हैं। उसको हम हरूफ मनकूत कहते हैं। क्या है हरूफ मनकूत? उस हरूफ को कहते हैं जिस हरूफ पर नुक्ता हो। जैसे बे है, ते है, पे है, से है, जीम है, चीम है, खै है, और भी बहुत सारे हरूफ हैं जिन पर नुक्ता होता है और उनको हम हरूफ मनकूत कहते हैं। हरूफ मनकूत को हरूफ मुअज्जमा भी कहते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे देखने को मिलेगा हरूफ मनकूत भी कहते हैं, हरूफ मुअज्जमा भी कहते हैं। अब हरूफ गैर मनकूता। हरूफ गैर मनकूता उस हरूफ को कहते हैं जिस पर नुक्ता ना हो। जिस पर नुक्ता हो उसको हरूफ मनकूता कहते हैं, जिस पर नुक्ता ना हो उसको हरूफ गैर मनकूत कहते हैं। जैसे अलिफ है, हाई है, दाल है, सीन है, सौद है, आइन है, और भी बहुत सारे हरूफ है जिनको जिन पर नुक्ता नहीं है और उनको हम हरूफ गैर मनकूत कहते हैं। अब आगे हरूफ मवाहिदा। हरूफ मवाहिदा वो हरूफ है जिस हरूफ पर एक नुक्ता हो। ठीक है, क्योंकि आप जब हरूफ तहजी देखते हैं उसमें बहुत सारे हरूफ है, किसी पर एक नुक्ता है, किसी पर दो है, किसी पर तीन है, किसी पर कोई भी नहीं है। अब जिस हरूफ पर एक नुक्ता हो उसको मवाहिदा कहते हैं। जिस हरूफ पर खाली एक नुक्ता हो उसको मवाहिदा कहते हैं। जैसे बे है, जीम है, जौल है, जौद है, गाइन है, और भी बहुत सारे हरूफ है जिनको हम मवाहिदा कहते हैं। और अब है हरूफ मसानात। हरूफ मसानात जिस हरूफ पर दो नुक्ते हो। जिस हरूफ पर एक नुक्ता हो उसको हरूफ मवाहिदा कहते हैं, जिस पर दो नुक्ते हो उसको हरूफ मसानात कहते हैं। जैसे जिस हरूफ